आपका मिलना ऐसा है जैसे किसी ने सारी कायनात का सुकून मेरी हथेली पर रख दिया। मैडम जी हमारी मिलने की ख्वाहिश छोड़ दो, क्योंकि जो हम मिलने पे आपको देंगे वो गुलाब का फूल नहीं होगा बल्कि वो होगा नन्नू। और जाने मन जरा गौर से देखो, जो तुम्हारे हाथ की हथेली पर रखे वो कोई बच्चों की चॉकलेट नहीं है बल्कि वो है नन्नू पुन्नु की टोपी। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा? तो कैसे एमपी पर खोर की जानता? तो भाई लोग मुझे गलत मत समझना, इसकी हथेली पे कुछ गलत नहीं रखा है मैंने, बस मामला थोड़ा पर्सनल इसलिए आप लोगों में बता नहीं सकता। ठीक है राज का कंट वीडियो शुरू करने से पहले इस लड़की के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। एक गुलाब गाली वाली लड़की टिकटॉक पर मजाक करती है, सॉरी पोएट्री करती है। वैसे मैंने सुने जिस लड़की की गाल गुलाबी हो, अरे कहना क्या चाहते हो, उसकी सिर्फ गाल गुलाबी नहीं होती बल्कि क्या मत बनाओ लोगों को, देश संकट में है। अब जिन लोगों को लगता है कि प्यारी से और मासूम से बच्चे देखने वाले तो कोई फरिश्ता होगी, ना 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 भाई यहाँ पर आप लोग सरासर गलत हो। देखो भाई लाओ, जो चीज बाहर से दिखती है वैसे असल में अंदर से होती नहीं है। अगर इनकी बगैरियतें देखना चाहते हो तो जाके इनकी यूट्यूब चैनल विजिट करो, फिर आप लोगों को पता चल जाएगा ये किस तरह की लड़की है और आप लोगों का हिजाब वाला वहम भी दूर हो जाएगा। चुपके से बैठूंगा और आप इनकी व्लॉग को देखूंगा। एमएन शहजादी व्लॉग्स। देख ली इनकी वीडियो आप लोगों ने? इनकी व्लॉग देख ली? यार मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना और मेरे चैनल पर भी वाइस टाइम थोड़ा सा आ जाए ताकि और मुनटाए हमने के काबिल हो जाए, ठीक मान दूं मैं आप लोगों से। तो चलो बाबू अपने सस्ते हेडफोन अपने गान लो, अपने कान में लगा लो, क्योंकि मेरे शब्द कभी भी यहाँ वहाँ जा सकते हैं और आप लोग खूब मार पड़वा सकते हैं अपने घर वाले से। तो चलो आज के अकाउंट वीडियो खराब शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी। किसी से दिल लग जाने को मोहब्बत नहीं कहते। जो चीज तुम लगाने का सोच रहे हो वैसे वैसे भी मोहब्बत नहीं कहते। हाँ अगर शादी करने के बाद लगाए फिर तो सही है, समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? लेकिन पहले लगाए तो फिर काम खराब है, और अगर लगाए और कोई ऊपर से आ भी जाए तो फिर आप खुद ही देख लो। किसी के बगैर दिल ना लगे मोहब्बत उसे कहते। मेरे ख्याल में तो ऐसे बगैरती कहते हैं क्योंकि तुम्हें कोई छोड़ गया इसका मतलब तो ये नहीं कि वो बेवफा था, हो सकता है तुम्हें चुतिया थे। चलो हमने मान लिया तुम एक अच्छे इंसान और तुम्हें छोड़ने वाला शख्स एक मतलबी था, और अगर मतलब के बगैर तुम्हारा दिल नहीं लग रहा तो फिर मैडम इस हिसाब से तुम फिर चुतिया हुई ना। थोड़े से पैसे के लिए तू बने मालूम तो मैं कोई सब पैसे कट रही। तेरे बाद नजर नहीं आती मुझे कोई मंजिल, किसी और का होना मेरे बस की बात। सुनकर तो मेरे आंखों में आंसू आ गए। बैंड यही लड़कियां होती जो पहले कहती है मेरे बाबू ने ताना ताया, मेरे बाबू मैं तुम्हारे बिना एक भी पल भी नहीं रह सकती, बाबू मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी। अब जब इनके पास नेट का पैकेज खत्म हो जाता है तो फिर यहाँ हमें कॉल करती है भोसड़ी वाले और कहती है बाबू 50 रुपये का लोड तो करवा लो, मेरे पास नेट का पैकेज खत्म हो गया, वो नेट का पैकेज तो करवा लो मुझे। वो तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है हमें हमारे घर वाले सब्जी खरीदने के लिए पैसे देते, कहते बेटे जाके वो दुकान से सब्जी खरीद कर लाओ, और हम उन लोगों से 50 रुपये शुरू करते और फिर इन लोगों को इन भोसड़ी वालों को लोड करते 50 रुपये का। और जब हम इन लोगों को कहते बेबी व्हाट्सअप तो ऑन कर यार, व्हाट्सअप पर बात करनी है, पहले तो ऑन करती है, और जब बाद में ऑन कर उसे पूछते बेबी किसी के साथ मसरूफ थी तो ऊपर से हमें जवाब देती है बाबू मैं बिजी था, बाबू भाई का कॉल आया था, बाबू आई लव यू, तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है क्या? और कुछ इस तरह 3-4 साल गुजर जाती है बकचोदी में, और जब शादी का टाइम आता है एंड में शादी करने का, और फिर हमें कहते हैं जाके बेबी अपनी मामा पापा से बात कर लो शादी करने की, और ऊपर से फिर हमें क्या कहते बाबू मम्मी पापा नहीं मानेंगे। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है,
और मैं अब किसी के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। ले रे बाबा उठा ले। ये भगवान क्या जुलुम है। ए, बोलने दे तकलीफ हुआ है बेचारे। एक काम कर 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के बजाय। यही लड़कियां होती है 10-11 लड़कों की नन्नू होती है, उनके ऊपर बैठ के जहन्नम की सैर करती है और फिर 12वीं लड़की के साथ शादी करती है और उनकी जिंदगी बर्बाद करती है और फिर अपनी शादी वाले दिन पर डांस करके कुछ इस तरह कहती है। और अगर तुम में से किसी की भी जीएफ है और उसकी मक्कन और प्यार भरी बातें तुम्हारे ऊपर जादू करे और तुम्हें लगता है वो तुम्हें कभी भी धोखा नहीं देगी, तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ेगी, तो बड़े बुजुर्गों का एक फरमान है तुम लोगों के लिए, बैंचोत सबका कटेगा। यादों में बसा रखा है तुझे इस कदर जनाब, कोई वक्त भी पूछे तेरा नाम बता दे। मैडम कोई आगे सितम पर नहीं लगा था क्या। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। चलो मानो इसकी जानू का नाम है भोसड़ी वाला। ठीक है समझ गया। और वो इसकी हर टाइम लेता है समझ रहे हो। और ये बात इसके अब्बू को पता चल गई और फिर इसके अब्बू ने इसको आके बिठाया कि बेटा ये तुम क्या कर रहे हो, तुम तो हमारी इज्जत मिट्टी में मिला रहे हो। तो फिर ये ऊपर से क्या कहेगी आप लोग खुद ही देख लो। जरूरी नहीं कि मोहब्बत में रोज बात हो, खामोशी से एक दूसरे की तस्वीरें देखना भी इश्क है। हाँ वो तो है लेकिन तस्वीरें दिख के हिलाने में वो मजा नहीं है। समझ रहे हो ना, जो सामने बैठ के बातें करके डांस करके हाथ हिलाने में है। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। तुम लोग देखोगे इनकी व्लॉग और यहाँ पर इसके होलिया और कंटेंट दोनों बदले बदले नजर आप लोगों को आएंगे। देखो सालो ये वही लड़की है जिसके लिए तुम मासूम से एक लड़के को गाली दे रहे हो। साले मजाक बना के रखते हो, भड़वा समझे क्या। सॉरी। और वीडियो की शुरू में ही झूठ बोल रही है बैंड चोद। मैं शर्त लगा सकता हूँ और इसको पुल नहीं उठाया होगा कि जाके चला जा भोसड़ी के। अरे यार अपनी माँ मत चोदाओ। तो बस आज के लिए इतने ही। मैं तो रोस्टिंग की वीडियो इनके ऊपर नहीं बनाना चाहता था, मैंने इनकी टिकटॉक वीडियो देखी तो वो मुझे थोड़ी सी अच्छी लगी, फिर मैंने इनकी चैनल को विजिट किया लेकिन वहाँ पर तो बकचोदियाँ कर रही थी तो फिर मेरा दिमाग ख़राब हुआ और मैंने उनके ऊपर थोड़ा सा रोस्ट कर दिया। तो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो के ऊपर लाइक मार देना और हर चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और लाल वाला बटन है उस पर बोतले फोड़ दो या राम रील लगती है बस मुझे पता नहीं उसके ऊपर क्लिक होना चाहिए। तू तो है वैसे सब्सक्राइब वैसे भी ले सकता है, तू ऐसे भीख मांगने से क्या होगा चाहिए। और हाँ फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर देना और भाई ने बोला करने का तो करने का, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर देना। उससे मेरा क्या फायदा क्योंकि मैं आप लोग इस बकचोदी वाली वीडियो लाता रहता हूँ। लव यू गाइस।